हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वॉचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने इंडो एंग्लियन राइटर्स की सीरीज में आज हम बात कमला मार्कंडिया की करने जा रहे हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1924 एंड डाइड इन 2004। उनका जन्म 1 जैन 1924 को मैसूर नाम की जगह में हुआ था दोस्तों, जो कि एक कर्नाटका के साधन पार्ट में स्थित शहर है। कमला मार्कंडिया उनका रियल नेम नहीं था दोस्तों, उनका रियल नेम तो कमला पुरनैया था। कमला मार्कंडिया उनका स्यूडोनिम यानी कि पैन नेम था दोस्तों, और मैरिज के बाद वो कमला टेलर हो गई थी। शी हैज बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स, मार्कंडिया वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, और फिर उन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर्स में अपनी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश कराया, और जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो मार्कंडिया मूव्ड टू ब्रिटेन। शी वॉज वेल नोन फॉर राइटिंग अबाउट कल्चर क्लैश बिटवीन इंडियन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज, और मार्कंडिया का पहला नॉवल भी जिसका नाम नेक्टर इन सीव है, वो भी इसी थीम पर लिखा हुआ उनका बेस्ट सेलर नॉवल है दोस्तों। अगर इस नॉवल के टाइटल की बात करें तो इस नॉवल का टाइटल उन्होंने 1825 में पब्लिश हुई पोयम वर्क विदाउट होप, जिसे सैमुअल टेलर द्वारा कंपोज किया गया था, से लिया गया है। और इस पोयम की ये दो लाइनें इस नॉवल का एपिग्राफ भी बनाती हैं दोस्तों। वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन सीव एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लीव। नेक्टर इन सीव रुक्मणी और नाथन के स्ट्रगल की कहानी है दोस्तों, जिन्हें कि अपने बच्चों को फीड करने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और पॉवर्टी का शिकार होते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन उनकी सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती चली जाती है दोस्तों, क्योंकि फ्लड, फेमाइन और डेथ उनकी परेशानियों को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं दोस्तों। कमला मार्कंडिया का लिखा हुआ दूसरा नॉवल जो 1955 में पब्लिश हुआ था, सम इनर फ्यूरी के नाम से, इट डील्स विद द थीम ऑफ इंटर रेसियल लव बिटवीन अ स्प्रिटेड इंडियन वुमेन मीरा एंड अ कल्टिवेटेड इंग्लिश मैन नेम्ड रिचर्ड। तो सम इनर फ्यूरी, रिचर्ड जो कि एक इंग्लिश मैन है और मीरा जो कि इंडियन स्प्रिटेड यूथ है, की लव स्टोरी को दिखाता है दोस्तों। कमला मार्कंडिया का जो पजेजन है उसमें भी क्लैश दिखाया है दोस्तों, और ये क्लैश द ईस्ट एंड द वेस्ट के बीच में है। इस कहानी में एक इंग्लिश वुमेन लेडी कैरोलाइन बेल वाल्मीकि नाम के एक केव पेंटर को अपने साथ ले जाती है, और फिर बाद में उसे इंडिया वापस छोड़ भी देती है दोस्तों। द लिस्ट ऑफ हर नॉवल्स इज नेक्टर इन सीव 1954, सम इनर फ्यूरी 1955, अ साइलेंस ऑफ डिजायर 1960, पजिजन 1963, अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966, द नोवेयर मैन 1972, टू वर्जिन्स 1973, द गोल्डन हनीकॉम 1977, प्लेजर सिटी 1982-83, और फिर 2004 में 80 ईयर्स की एज में कमला मार्कंडिया की डेथ हो गई दोस्तों। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑन कमला मार्कंडिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज कमला मार्कंडिया बॉर्न। द करेक्ट आंसर इज मैसूर। वेन वॉज कमला मार्कंडिया बॉर्न? 1924। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कमला मार्कंडिया इज स्यूडोनिम ऑफ कमला। द करेक्ट आंसर इज पुरनैया।
द फर्स्ट नॉवल ऑफ कमला मार्कंडिया इज नेक्टर इन सीव. द टाइटल ऑफ कमला मार्कंडिया's फर्स्ट नॉवल नेक्टर इन अ सीव हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ द करेक्ट आंसर इज कॉलरीज. विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडिया डील्स विद द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ रुक्मणी एंड नाथन. द करेक्ट आंसर इज नेक्टर इन अ सीव. विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडिया डील्स विद द थीम ऑफ इंटर रेसियल लव बिटवीन अ स्प्रिटेड इंडियन वुमेन मीरा एंड अ कल्टिवेटेड इंग्लिश मैन नेम्ड रिचर्ड. द करेक्ट आंसर इज सम इनर फ्यूरी. विच नॉवल ऑफ कमला मार्कंडिया टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश वुमेन लेडी कैरोलाइन बेल एंड वाल्मीकि अ टीनेज लोकल केव पेंटर इन अ विलेज इन साउथ इंडिया. द करेक्ट आंसर इज पजेजन. कमला मार्कंडियाज नेक्टर इन अ सीव डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन एडुकेशन रिलीजन और हंगर. द लास्ट ऑप्शन हंगर इज द करेक्ट वन फ्रेंड्स. व्हेन डिड कमला मार्कंडिया डाई? शी डाइड इन द ईयर 2004. विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच.